सुप्रिया जी आप बधाई देना चाहेंगे इनको, बल्कि वोट परसेंटेज सीट्स में तो थोड़ा 10-15 का ऊपर नीचे है भी, तीन राज्यों में एकदम सटीक, चार में, चार पांचों राज्यों में एकदम सटीक वोट परसेंटेज तो आपने एग्जैक्ट बता दिया था, पांचों राज्य में। सुप्रिया जी आज आपको बधाई देना चाह रही है, क्यों सुप्रिया जी? नहीं नहीं, मैंने तो पहले भी, मैं शो पर थी शायद प्रदीप जी के साथ, और मैंने पहले भी कहा था कि जो जीता वही सिकंदर, और आपका एग्जिट पोल सही रहा। मुझे, मैंने देखा आप थोड़े से नर्वस भी थे और आप भावुक भी हो गए, तो उसके लिए बिल्कुल आपको साधुवाद है, और मैं आपको, आप हार्वर्ड एक केस स्टडी बन के जा रहे हैं, उसके लिए आपको अग्रिम बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं तो सुधांशु जी को भी कहूंगी कि आपको भी बधाई हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़ाई हमें सिखाती है और हम जरूर सीख कर और मुखर होकर उस पर बात करेंगे। और मैं एक पर्सनल चीज आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह की बात हो रही है। ठीक है, हमने बहुत कम सीटें जीती हैं यूपी में, 2 ही सीटें अभी तक हमारी जीतती दिख रही हैं, उसमें से एक मेरे गृह क्षेत्र महाराजगंज के फरेंदा की है, जहां मेरा घर है। और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ इस बात का कि जिस सीट से मेरा भावनात्मक रिश्ता भी है, पॉलिटिकल रिश्ता भी है, वो कांग्रेस ने जीती है। तो ये कहीं पर मेहनत का, कहीं पर विश्वसनीयता का शायद ये भी एक परिणाम है। अच्छा है कि आपके तेवर वाले लोग और पार्टी में आए, तो शायद सुप्रिया जी और बेहतरी होगी। देखिए संजय झा जी अभी से सजेस्ट कर रहे हैं पार्टी नेतृत्व को बदलने का टाइम आ गया है। सुधांशु जी हाथ उठा रहे हैं, सुधांशु जी बोलिए। आज तो आप लोग क्या ही बोलिएगा सर, गदगद वाला दिन है आप लोगों के लिए। सुधांशु जी, नहीं मैं सिर्फ ये कहूंगा, सुप्रिया जी ने अभी दो बार ये बात कही कि जो जीता वही सिकंदर, अब हमें भी इस विचार को बदलने की जरूरत है। हकीकत में जो जीता वही पोरस था, सिकंदर तो हारा था। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन विचार और जिन भावनाओं को भी बदलने की जरूरत है, इसलिए जो परिवर्तन हो रहा है वो विकास के साथ भी हो रहा है, वो आर्थिक चाहिए। आप जीते हैं, थोड़ा बड़ा मन आप अपना करिए, और ये मत भूलिए कि जिन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा था, भावनात्मक मुद्दों को शायद ज्यादा तरजीह मिली है, लेकिन मुद्दे अभी भी बहुत भयंकर हैं उत्तर प्रदेश में, और उनका सामना करिए, उनका उनका समाधान निकालिए। आपको बधाई के साथ साथ थोड़ा मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगी, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी मुझे लगता है सबके लिए अच्छी रहे। ठीक है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल बीजेपी दफ्तर की। शरद जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं सुधांशु जी से, पूछिए। पहले तो सुधांशु जी को बधाई दे दें इतनी प्रचंड बहुमत मिलने के लिए, और इनका तो बहुत रोल, इनका रोल भी रहता है, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्लेन करते रहते हैं, उसका कोई जवाब नहीं, और उसका कोई जवाब नहीं जिस तरीके से ये बोलते हैं तथ्यों के आधार पे। बट सिंपली एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो महंगाई के मुद्दे को बिल्कुल ऐसा डिसमिस किया कि वो झूठा नैरेटिव था, इसलिए ये बात सही है कि विश्वसनीयता का सवाल है, लेकिन क्या ये झूठ है कि खाने की चीजों के दाल के दाम इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, तेल के दाम इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, हर खाने की चीज इतनी महंगी है, क्या ये सब झूठ है? सब कुछ महंगा है।